पहले कसोल जाएंगे फिर जाएंगे मनाली फ्राइडे संडे यार। आधा किलोमीटर चलते हैं फिर ट्रैफिक आ जाता है भाई साहब। इस साइड पत्थर ही पत्थर है, आराम से। दिमाग खराब करने वाली चीज है ना भाई, हम इतने बंदे इतनी देर से फंसे हैं, तुम आराम से आओ। बंदे हैं यार कसम से, बिना मतलब जाम निकलवा दिया, अभी इतनी मुश्किल से निकल रहे हैं, हमें 4 घंटे लगे यार। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के लिए घर से। टाइम आप देख सकते हो, अभी सबसे पहले मुझे जाना है रेलवे स्टेशन, अमन को पिकअप करना है वहाँ से। अभी थोड़ी सी भसड़ ये है कि अमन की सिम यहाँ जम्मू में नहीं चलती, आपको पता है जम्मू से बाहर की सिम जम्मू में चलती नहीं है अगर पोस्टपेड ना हो तो। सो गाइस, अमन की जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली है 4:40 पे। अभी सबसे पहले मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, अमन को पिक करना है वहाँ से, उसके बाद देन प्रणव को पिक करना है। प्रणव को पिक करने के बाद हम जाएंगे विजयपुर, वहाँ से उठाएंगे जॉनी को एंड फिर हम निकलेंगे अपनी ट्रिप पे। फिलहाल सबसे पहले चलते हैं रेलवे स्टेशन। गाइस लेट हो गया है, ट्रेन ना बहुत ज्यादा लेट है, बनके आधा घंटा। अभी रेलवे स्टेशन तो आ गया है, सिम भी चल रही है उसकी, पहले उसको ढूंढते हैं यहाँ पे जाके फिर निकलते हैं। काफी लेट हो गया, मैं सोचा जल्दी निकलेंगे तो जल्दी आगे पहुंचेंगे, बट ठीक है। टाइम देखो भाई, 4:40 पे ट्रेन आने वाली थी और अभी 5:30 हो रहे हैं। भाई मेरे को तो पहली बार वो महसूस हो रहा है कि जब किसी के घर का कोई बंदा गुम हो जाता है कैसा लगता है। हमें अमन नहीं मिल रहा यार। गाइस अमन और प्रणव को पिक कर लिया, अब जॉनी को पिक करना है बस विजयपुर से। चलो वो तो रास्ते में ही है, फिलहाल हमने कहा पहले पेट्रोल फुल करवा लें यार, क्योंकि पेट्रोल कम था गाड़ी में, तो एक ही बार फुल करवा लेते हैं। सो गाइस जम्मू क्रॉस कर लिया, ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था, 8 बजे हमारे ब्रेकफास्ट करते हैं। अमन भाई अपने आ गए हैं, साला ट्रेन में गायब हो गया था भाई, कहाँ चला गया था। अरे कहीं नहीं गया भाई, इतना हरामी है, हम इसको ढूंढ रहे हैं कि अमन भाई आएंगे, पता नहीं ट्रेन चली गई है, कहाँ गया अमन। अमन भाई चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे आके, जस्ट अभी जम्मू क्रॉस करके पठानकोट पहुंचे हैं, अभी पठानकोट ब्रेकफास्ट करेंगे, इसके बाद लंच करने के लिए रुके हैं। सिद्धार्थ चलते हैं, खाना खाते हैं यार, कुछ नहीं खाया सुबह से ना, और गला सूख रहा, पानी भी नहीं पिया हुआ, पानी भी नहीं पीछा। ब्रेकफास्ट अपना आ गया एंड सबसे मेन चीज़ पता क्या है ढाबे की, ये जो दही है ना, ये घर वाला दही है भाई, बहुत टेस्टी है। और ये अपना परौंठा है, पनीर परौंठा मंगवाया था, पर ये ना नॉन टाइप परौंठा है थोड़ा। चलो भाई खाना खा लिए, अभी निकलेंगे यार, 8-10 घंटे का रास्ता है कम से कम भी ना, तो खींचेंगे गाड़ी आराम से। गाइस पहाड़ों में एंटर कर लिया हम लोगों ने अभी एंड गर्मी तो पहाड़ों में बहुत है यार, मुझे लगता असली पहाड़ नहीं है, निकली पहाड़े ही। देखो भाई पहाड़ों में एंटर होते प्रसाद दिया निकलने में, मंदिर की कोई पूजा वूजा होगी, बाकी तो केले खाएंगे मस्त, ऐसा लग नहीं रहा पहाड़ों में आए, इसी अब तक चल रहा है गाड़ी का एंड यहाँ से भी रह गया 222 किलोमीटर। गर्मी बहुत है यहाँ पे भी, थोड़े जूस वूस पीने के लिए रुके हैं, बहुत अभी गाड़ी पार्क करी हमने, वो अपने बाकी भाई वहाँ बैठे हैं छाँव में। जूस कौन सा चल रहा है, ठीक है बस तेरे को एनर्जी की जरूरत है। मेरे पास बहुत एनर्जी है गाइस, लग रहे हो तो गाइस जस्ट अभी मंडी पहुंच गए हैं और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर रह गया यहाँ से कसोल। सबसे अच्छी बात पता है क्या, ट्रैफिक हमें बिल्कुल भी नहीं मिला और अभी हमारा ना थोड़ा डोमिनोज देख के मन कर गया, डोमिनोज खा लें, तो एक पिज्ज़ा खाने के लिए रुके हैं। बाकी सच बताऊँ तो उधर ऐसा लग नहीं रहा कि हम पहाड़ों में आए हैं भाई साहब, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है। तो गाइस पिज्ज़ा पुज्जा खा के अभी निकल गए हैं भाई साहब, पूरा मूड फ्रेश हो गया, क्यों अमन भाई। बिल्कुल भाई मूड हो गया सेक्सी, अभी हम निकल गए हैं यहाँ से, हमें लगेंगे 3 घंटे, दिखा रहा है मैप पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर रह गया यार बस। जिसका डर था ना वही हो गया भाई, लग गया ट्रैफिक, कितनी देर फंसेंगे पता नहीं यार, टाइम ऑलमोस्ट इतना हो गया अभी, फोकस हो जा भाई। 4:15 हो गए, सुबह निकले थे हम 4 बजे, देखो कब तक पहुंचते हैं। ट्रैफिक देख लो गाइस, पूरा फुल रेड। अंकल गया हटाने यार, अंकल से खुद क्या बातचीत थोड़ी आगे राउंड साइड चले गए हैं, अभी आगे आके फिर से जाम लगाएंगे, पता है इन बंदों में जैसे ज्यादा जाम लगता है हमेशा, पर इनको कौन समझाया यार, अनपढ़ बंदे सारे। ये देख लो जी एक के पीछे एक, प्रणव ये डैम ही है यार, डैम ही है ना ये, यहाँ लग ही रहा है शक्ल से। ओ भाई साहब सुंदर भी लग रहा है काफी, ये रहा ना पानी, क्या बात है भाई, सुंदर डैम। एक तो जैसे थोड़ा सा जाम छूटता ना, मेरे को लगता भाई अब मजा आएगा, रास्ता सही हो जाएगा, फिर ये हालत हो जाती है, फिर जाम लग गया। बाइक ही अच्छी है देखो, मस्त निकल जाओ अपना जाम जो देखते हैं। पर ये जो है ना ये स्विफ्ट वाला और सही बात है भाई, तो जाम लगेगा ही नहीं पता है, आराम से निकल जाएंगे बंदे।
पाँच बजे तक हमने पहुंच भी जाना था, पाँच बजे यहीं फंसे हैं अभी। अभी भी यहाँ से 2 घंटे 16 मिनट दिखा रहा है, पूरा लाल है अभी भी ट्रैफिक, लाल है पूरा ठेला लाल है। बाइक कसम से मेरे को ने जाम देख के वो हो रही है बेहोशी। प्रणव भाई यही गड्ढे लगा देंगे थोड़ी साइड पे, है ना। ये देख लो इस बेवकूफ को भाई, लगा दिया जाम फ्री का, ये देख लो फिर कह रहे हैं भाई क्या बंदे हैं यार, कसम से बिना मतलब जाम निकलवा दिया। अभी इतनी मुश्किल से निकले थे हमें, 4 घंटे लग गए यार, हद होगी भाई, क्या बेवकूफ लोग हैं। मां कसम, मां खराब करने वाली चीज है ना भाई, हम इतने बंदे इतनी देर से फंसे हैं, तुम आराम से आओ पीछे पीछे, 15 मिनट फालतू वेस्ट कर दिए, 15 मिनट मनाली घूमना है, कसोल के लिए घूमना है, पहले कसोल जाएंगे फिर जाएंगे मनाली, सैटरडे संडे, यस सैटरडे संडे मनाली जाएंगे, रश ज्यादा होगा, ट्रैवल ज्यादा होगा। सही बात है भाई, इनका दुख दर्द समझ सकता हूँ मैं, अब कैसी बेहतरी होगी इंटर इस टाइम, है ना। हम भी ऐसे ही खड़े थे और इस साइड से गाड़ियां जा रही थी भाई साहब, इस साइड पत्थर ही पत्थर है ओए, आराम से। प्रणव भाई क्या गलती हुई थी यहाँ के आज, फाइनली इस जाम से छूट गए हैं एंड ऐसे उस टनल में एंटर हो गया भाई, बहुत सुंदर टनल है यार। जस्ट अभी बुंदर पहुंचे हैं और अब थोड़ा लग रहा है कि भाई पहाड़ों में आया, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, नहीं तो भाई अब तो गर्मी से ना बुरी हालत हो रही है मेरी, पीछे से अमन कैमरा पकड़, तेरे शर्ट देखना एक बार, रुको रुको अच्छे से एक बार बस इतना ज़ूम नहीं करना, ये देखो। कसम से ऐसा लग रहा है जम्मू में ही था भाई तब से, इतनी गर्मी और ट्रैफिक से ना बुरी हालत हो रही है भाई साहब, बहुत ट्रैफिक है यार मनाली वैसे, बहुत ट्रैफिक है। मैं मेरी लिंक दिखा एक बार, मैं बताता हूँ गर्मी की वजह से कैसे आया हूँ, ऐसे ही आना, सजेशन यही है जीन जून में बताना भाई, सही बता रहा हूँ आ रहे हो ना इसी हालत में आना, यहाँ जीन जून में होगा हालत खराब हो जाएगी, 4 घंटे ट्रैफिक में फंसे हैं सबके सब, हम ट्राउजर में आए अभी, कसोल वाले रास्ते में मिलेगा हम 8-9 किलोमीटर पहले, अभी कसोल यहाँ से रह गया एटलीस्ट 35 किलोमीटर, टाइम देख लो भाई 7 बज गए और सुबह 4 बजे निकले थे भाई, चलते हैं अभी यार, एक बार पहुँचे ना सीधा वहीं मिलेंगे। चलो प्रणव भाई ब्लर हो गया आप, चलो भाई ऑलमोस्ट 9 बज गए और जस्ट अभी कसोल पहुंचे हैं, हालत खराब हो गई है भाई, इतनी खराब रोड है, इतनी खराब रोड है। एक और सीन हो गया, हमने ना होटल बुक नहीं किया था, हमने सोचा था एटेंड ले लेंगे बट अभी ना सारे होटल्स फुल हैं और कहीं होटल नहीं मिल रहा है, अभी ढूंढ रहे हैं, सांस चढ़ गई भाई, 3-4 किलोमीटर पैदल घूम रहे हैं गाड़ी लगा के, ऊपर से पार्किंग भी नहीं है यार, फिलहाल अभी देखते हैं यार जाके मिल जाए होटल बस ना। क्यों अमन भाई बिल्कुल कैसा लग रहा है, खज्जल होके एक्सपीरियंस हो रहा है, गाड़ी में सोना पड़ेगा। फाइनली गाइस रूम मिल गया और हमारे साथ देखो गाइस कौन है, द बियर ब्रदर्स, टेडी क्या बोलता था तू, मैं भूल गया, अबे मैं भी भूल गया भाई, टेडी बियर्स आर बैक, द टेडी बियर्स, मेरे बाल आ गए भाई छोटे ना, वो यार सही है, ओ फक भाई ओ थैंक्स सर, बाल हो गए गाइस, चीफ मिनिस्टर भी आया गाइस, लुधियाना के चीफ मिनिस्टर अमन खट्टर, अमन खट्टर मिस तो नहीं किया मुझे बहुत, यार तेरे नाम के सलमान खान क्यों बने हो, तेरे नाम सलमान खान की ऐसे थे मेरे ऐसे नहीं है, उनको मत देखो यार, सारा मूड खराब कर दिया, प्रणव और अमन की कैंडल लाइट डिनर हो रही है सारे आन जाने, वो बैठे बेटा शैंपेन लाओ इनके लिए, वो लाइट आ गई लकी भैया को झोले पे तो दिखाओ एक बार, भैया की तौंद तो देख लो, भैया निकट तो देख लो, खाना खा के वापस आ चुके हैं होटल में एंड यहाँ का ब्लॉग ना आज ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, होटल का ब्लॉग बहुत सेक्सी रहने वाला है क्योंकि मैं बोरा कसोल एक्सप्लोर, भाई तू तो देख रहे हो बहुत क्यूट लग रहा है।